थुकैटभ दैत्यों का नाश, चाहे कमल सुत ब्रह्मा जी ध्यान किया महाकालिका का, जब निद्रारत थे विष्णु जी दश भुजाओं में चक्र गदा, भृशुंडी शूल गदा धारण, नील कांति त्रिनेत्रा देवी सर्वांग धारे आभूषण, थे सावरणी और आठवें मनु संसार के, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विशद करूं विस्तार से। सूर्य पुत्र पर कृपा हुई थी भगवती श्री महामाया की अनुग्रह से, मन्वंतर स्वामी बने उन्नति हुई काया की, मन्वंतर में राजा सुरथ का दरबार था, चैत्र वंश के महाभाग का धरती पर अधिकार था, हृदय से प्रेम प्रजा पर ऐसा आसक्ति पुत्रों जैसी, परंतु उनके शत्रु बन गए क्षत्रिय कुल को लाविध्वंसी। प्रबल दंड नीति वाले सुरथ थे युद्ध शास्त्र अभ्यस्त, अल्प कोला विध्वंसियों से हो गए थे राजन पस्त। अब समस्त संसार पर उनका नहीं बचा था राज, हुआ आक्रमण उनके राज पे और छिन गया उनका ताज। क्षीण हो चली थी उनकी साथियों ने ही लूट लिया, छल से कर अधिकार राज पर कोश मंत्रियों ने छीन लिया। अब अपने प्रभाव से वंचित राजा क्षुब्ध थे मन ही मन, तब अश्वारोहण के बहाने करने गए आखे थे। हिंसक पशुओं शिष्यों के संग वन में शांति से विचरित थे। मुनिवर ने महाराज सुरथ का बहुत स्नेह सत्कार किया, कुछ दिन कर विश्राम वहां पर राजा ने भी प्रेम दिया। अति विचलित था राजा का मन, चिंतित आठों पहर लगे, पूर्वजों की अनमोल धरोहर जाने कैसा नगर लगे। मेरा प्रिय गजराज भी मेरे राज्य में पाता राजयोग, अब रिपु के अधीन हुआ वो जाने भोगे कौन भोग। से जो अनुकरण किया करते, अब निश्चय ही लोलुपता का अनुसरण वो करते होंगे। आत्मीयता और लगन से भरा राज्य का
सुख शांति में उनकी विघ्न कई आते रहते। आश्रम में एक दिन राजा ने एक वैश्य को चिंतित देखा। कहो वैश्यवर क्या संकट है? राजा ने उससे पूछा। रात दिख रहे बड़े अनमने, क्यों पीड़ा कर रखी धारण? मुनि मेधा के आश्रम में कहिए क्या आने का कारण? सुन राजा की मधुरम वाणी, वैश्य को हुई प्रसन्नता। राजा के सानिध्य में आकर तनिक भी न रही खिन्नता। तब वैश्य ने कहा, स्वीकारो मेरा वंदन, नाम समाधि मेरा राजन, मेरे पास था पार धन, पर अब मैं हूँ धन से वंचित और नहीं घर बार मेरा, मेरी लोलुप पत्नी पुत्र भी करते तिरस्कार मेरा। आचरण ठीक है उनका या उनकी मति हुई भ्रष्ट है? क्या सौभाग्य साथ है उनके या हो गया वो रुष्ट है? राजा बोले, वैश्य बहुत दुखदाई है तुम्हारा कथन, एक प्रश्न स्वाभाविक सा पर पूछ रहा है मेरा मन। जिस स्त्री और जिन पुत्रों ने किया तुम्हें बेघर निर्धन, उनके विषय में तुम्हारे मन में क्यों है प्रेम का बंधन? हे विचार राजन, ये उत्तम प्रश्न आपका बहुत उचित है, पर मैं ही ना समझ पाऊं क्यों मेरी दशा ये समुचित है। अगुणी बंधु आत्मजन किया जिन्होंने मुझे व्यथित, क्यों मैं दीर्घ श्वसन लेकर उनके प्रति हूँ अति चिंतित? माना निष्ठुर मन है उनका, है संपूर्ण प्रेम का भाव, पर क्यों मेरे हृदय में उमड़े उनके प्रति प्रेम भाव? श्रेष्ठ सुरथ ने मिलकर वैश्य समाधि के साथ, दोनों ने मिलकर किया एक अनोखा उत्तम काज।
से मैं विमुख हूँ अब तक जतन किए हैं मैंने भर सत पराधीन मेरा राज पड़ा है पर मन उसमें जकड़ा है व्यथित हृदय की दशा ये ऐसी विवश है मन कैसी दुविधा है जो अब मेरा नहीं रहा क्यों उसके प्रति रहती पीड़ा अपनों से घायल होकर ये वैश्य भी यहाँ है दुखी बड़ा पत्नी और पुत्रों ने से किया घर के बाहर इस प्रकार हम दोनों ही व्यथित हुए चोटे खाकर खुले नेत्र से दोनों ही जन देख रहे हैं सारे दोष फिर भी है अपनत्व बना नहीं है मन में किंचित रोष जितने भी प्राणी हैं ज्ञानी और विद्वान हैं किंतु सभी को होता रहता भिन्न भिन्न सा भान है पर विषयों में अंतर है वो सबके लिए न एक समान कोई दिन में ही देखे कोई रात में दिवस समान मात्र जीव ही कुछ ऐसे हैं जिनके दिन और रात समान दृष्टि मानव बुद्धि की धारक पर उससे ही न सृष्टि महान पशु पक्षी मृग जीव जंतु सब होते तो हैं समझदार मानव जैसा ही उन सब का होता जीवन पर अधिकार अन्य जीव भी मानव जैसे समझे और कर्म करते कई दृष्टि से वे भी तो एक मानव भांति रहा करते खिला खिला कर रखे शिशु अपने जीवित पर देखो नर श्रेष्ठ मनुज जो रखता हर अभिलाषा है प्रतिफल पाने के लालच में रखे पुत्र की आशा है कमी बुद्धि की नहीं है लेकिन चक्र है जन्म मरण के ये सारे ही हैं परिणाम देवी भगवती के गुण के इस हेतु अचंभित ना होना योग निद्रा सुशोभित है विष्णु जी की महामाया है जग जिससे सम्मोहित है भगवती महामाया है शक्ति मोहिनी सर्वज्ञ ज्ञानी और महाज्ञानी भी रह ना सके इससे अनभिज्ञ आद्या देवी ने ही की है चराचर सृष्टि की रचना देवी माँ का ही अधिकार है वर देना या मुक्ति देना
देव हुआ है कैसे, उनका भू पर आविर्भाव, चरित्र गाथा में उनकी दिखते हैं कैसे कैसे प्रभाव। हे ब्रह्मर्षि निवेदन है ये आपके चरणों में मन से, देवी स्वरूप का वर्णन आप सुनाए श्री मुख से। सभी को व्याप्त उन्होंने ये जग ही है उनका रूप, कई रूप में प्रकट हुई जो नित्य अजन्मी शक्ति है, देवों की सिद्धि के लिए जन्म लिया करती है। माना उत्पात मचाया दोनों उन्मत्त दैत्यों ने, ब्रह्मा जी का वध करने की दोनों ने ठानी मन में। ब्रह्मा जी ने देखा जब भगवान है निद्रा में पूर्ण मगन, तब उनकी नेत्रवासिनी योग निद्रा का था किया स्तवन। अधीश्वरी माता तुम जगपालक विश्वेश्वरी, संहारक शक्ति देवी अनुपमा वही जगदीश्वरी, वही भगवती निद्रा देवी रहे अखंड अनंत प्रसन्न, भगवन जिससे जागे शीघ्र मधुकैटभ का करे। शतकार हो माते तुम्हारे ही है रूप स्वधा, देवी तुम ही तो हो सबकी जीवन दायिनी दिव्य सुधा, नित्य अक्षर अकार उकार मकार के तुम ही हो मात्रा। शब्दों के मध्य की मात्रा जिसका उच्चारण संभव हो, वो बिंदु रूपार्ध मात्रा देवी तुम वही संस्करण हो। तुम ही माँ परम जननी हो, तुम हो संध्या सावित्री, तुम ही ब्रह्मास्त्र धारिणी और तुम ही सृष्टि निर्मात्री। की हो प्रारंभ तुम्ही रचनात्मक देवी सृष्टि रूपा, पालन भी तुम ही करती इस विश्व की हो स्थिति रूपा, जगन्मयी सार्थक शक्ति कल्पांत में करती तुम संघार, हर एक नाश का कारण तुम ही जग की पालन।
सच्चा पुष्टि तुष्टि तुम ही, तुम शांति क्षमा कारिणी। शंख चक्र धनुष धारी, शूल धारिणी खड़ग धारिणी। बाण भ्रुशुंडी और परिघ सब अस्त्र तुम्हें लगते रुचिकर। तुम निर्मल से निर्मल हो और हो सुंदर से सुंदर। पर अपर से तुम परे हो देवी, तुम तो हो परमेश्वरी। सत्य असत्य में व्याप्त तुम ही हो हे महान देवेश्वरी। जगपालक विष्णु जी को जिसने कर रखा निद्रा ध्यान, उस निद्रा देवी का कैसे कर सकता कोई गुणगान। श्री शिव जी या विष्णु जी की तुम ही तो हो देह धारक। है किस में इतनी क्षमता जो बने तुम्हारा स्तुतिकारक। कैटभ को कर मोहित, भर दो माँ उनमें आसक्ति। लक्ष्मीपति को करो प्रदान उनके वध की महाशक्ति। सहृदय ब्रह्मा जी ने तब की देवी की मन से स्तुति। दोनों दैत्यों के वध की ताकि बन सके परिस्थिति। सुन देवी तमोगुण स्वामिनी, व्यक्त हुई मुख नेत्र नासिका से माता फलदायिनी। बाहु हृदय से और वक्ष से जग पालक वो निकल पड़ी। अव्यक्त जन्मी ब्रह्मा जी के समक्ष आकर हुई खड़ी। भगवान की शक्ति के सामने दैत्य न रहे प्रभावी। साथ ही मोह माया ने बिछाया जाल अपना मायावी। अंततः दैत्य द्वयों ने कहा परम वीर विष्णु भगवान, हम तुम पर प्रसन्न हुए हैं, मांगो हमसे कोई वरदान। से कर दिया है ये कथन, तब तुम दोनों ही दे दो मुझको अभी ही ये वचन। और कुछ न मैं चाहूं तुमसे दानव वीरों बिना कारण, बस वर दो मेरे हाथों से ही हो तुम्हारा अभी मरण। फंस गए देखा जाऊं पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त।
प्रभाव के वर्णन में विशद करूंगा भिन्न भिन्न। लक्ष्मी कमलासन पर प्रसन्न मुख मंडल है जिनका आयुधों से सुसज्जित कर अक्षमाल पर सागदा ठाल वज्र और कुंडलिका हरे दंड शक्ति और शंख शूल पद्म है और घंटा दुरात्मा दुर्व्यवहार सुरों से कर रहे हैं अपनी रक्षा याचना हम आपसे कर रहे हैं सुन देवों की बुरी अवस्था श्री जी के मन आया क्रोध उनके संग महादेव ने भी मन में ठाना प्रतिशोध चक्रपाणि संतप्त हुए और अपना तेज किया कोपित तेज निकाल इंद्र शंकर और ब्रह्मा भी हुए उत्तेजित समस्त देवों के मुख से फिर तेज निकले अनेक शक्ति पुंज बन गए थे सब जब हो गए सारे
जैसे पर्वत जा ज्वल्यमान खड़ा। जब हुआ बन गया परिणित होकर नारी। शिव के तेज से मुख बना यमुनी दी केश जटाए, और विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी भुजाएं। इंद्र के तेज से कटि प्रदेश, चंद्रमा से बना वक्षस्थल, वसुओं से और नासिका तेज कुबेर की। शुभ्र दंत पंक्तियां बनी फिर प्रजापति का पाकर तेज, प्रकट जो तीनों नेत्र हुए कारण हुई जब अग्नि सतेज। संध्या तेज से भौंए बनी और वायु तेज से कान, देवी का अवतरण हुआ सभी तेज कर परिधान। ऐसी तेजोमयी शक्ति को देख देवता हर्षित थे, दुखी रुष्ट जो बैठे थे वो महिषासुर से पराजित थे। पिनाकधारी शिव ने फिर उसे अपना शूल प्रदान किया, स्वयं विष्णु जी ने उसे निज चक्र भी साभिमान दिया। शंख मिला था उसे वरुण से और अग्नि से शक्ति करस, वायु से मिला धनुष और बाण युक्त दो तरकस। नेत्री इंद्र ने उन्हें वज्र शक्तिशाली दिया, और उत्तर ऐरावत ने घंटा प्रभावशाली दिया। काल दंड ने दंड और वरुण ने पाश प्रदान किया, दिया कमंडल ब्रह्मा जी ने स्फटिक माल प्रजापति ने दिया। सुंदर हंसली चरणों को निर्मल नूपुर, सभी उंगलियों में अंगूठियां लगी चमकने सहसा। तभी विश्वकर्मा जी ने उन्हें भेंट किया एक फरसा। अभेद्य कवच और अनेक वस्त्र शोभा के बन गए कारण, साथ ही मस्तक और वक्ष पर मालाए की थी धारण। सागर ने अति प्रेम से सजाया कमल पुष्पराज, हिम पर्वत ने रत्न समेत दी थी सवारी सिंहराज। धन अध्यक्ष कुबेर बने मधुपात्र के स्वयं कारण, नागाहार दिया शेष ने करे पृथ्वी को जो धारण। मूल्य
मूल्यवान मणियुक्त नागा हार सहित कई आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवों ने देवी का किया भूषण। अब उस शक्ति पुंज ने किया असह्य वेद्य अट्टहास और उसकी गर्जना से थर थर कांप उठा सारा आकाश। इतना भयंकर हुआ नाद की गगन भी लगने लगा दरिद्र मच गई हलचल पूरे विश्व में खर्राया गंभीर समुद्र। डोलने लगे पर्वत सारे सुन देवी के वो हंकार और हर्ष से देवता लगे करने उसकी जय जयकार। महर्षि क्षोभ से पीड़ित थे उत्तेजित सब दैत्यगण। दैत्य सेना सज्जित हुई होकर देवी से अति त्रस्त कांप उठा अचरज विस्मय से महिषासुर अति क्रोध ग्रस्त। देवी अलोकित करती थी सभी दिशाएं सहज दशा में दौड़ा क्रोधित असुर राज उस घोर गर्जना की दिशा में। पृथ्वी सह न सकी थी उसे नभ रेखा सा विराट भाल उसके धनुष की टंकार से क्षुब्ध होता जाता पाताल। अपनी सहस्त्र भुजाओं द्वारा कर दिशाएं सभी व्याप्त तभी देवी की दैत्यों के संग हुई युद्ध की शुरुआत। उद्भासित हुई सभी दिशाएं टकराए जो सुर और असुर। असुरों की सेना का नायक था अतिवीर दैत्य चक्षुर। उसके साथ थी चतुरंगिणी सेना जुलाया चामरी आया 60,000 रथियों को दैत्य उदग्र लेकर। रथियों का नायक अब युद्ध के लिए था आया तीक्ष्ण रोम वाला असिलोमा पंच कोटि रथ था लाया। 60,00,000 दैत्यों से घिरा था दैत्य राज सुदृढ़ बाष्टल परिवारित के पास था कोटि हाथी और घोड़ों का दल। कोटि रथ और कोटि गज उसके लिए थे सुसज्जित। रण में सभी दैत्य देवी पर कर रहे थे कई शस्त्र प्रहार। तोमर शूल भिंडी पाल दैत्य चलाते थे तलवार। खड़ग परशु पट्टिश शक्ति तो कोई फेंकता तीव्र पाश। अधर्मी असुरों का ध्येय था महादेवी का सर्वनाश।
कोई बड़े जोश में करता था देवी पर खड्ग प्रहार। देवी तो बस खेल खेल में कर देती उन्हें तार तार। कर युद्ध इतने दैत्यों से वो तनिक भी थकी न लगती। मुनियों की स्तुति अखंड थी युद्ध में डटी रही भगवती। वनराज सिंह भी रणभूमि में मचा रहे थे कोलाहल। देवी का वाहन जैसे वन में फैलाता दावानल। श्वास छोड़ उत्पन्न किए थे कई कई गण। ये सभी प्रकट गण परशु पट्ट शिखड़ गौर भिंदी पा। ऐसे चलाते रण में जैसे असुरों का गया थकाल। कई दुष्टों को करके तीव्र घंटाना। देवी पाश से कितनों को घसीटती रहती धरती पर। मार गई तलवार से उसने देह के कई टुकड़े कर। के गदा की चोट निचोड़ती शक्तिशालियों की ताकत। रक्त वमन करते अनेक थे मूसल से होकर आहत। शूल से छाती फाड़ती वो नष्ट करे उनकी कुदृष्टि। हतोत्साहित असुर सेना थी देख असहनीय बाण वृष्टि। आज से थे फुर्तीले दैत्य पर विदीर्ण करती कराहें। किसी का कट जाता था सर तो किसी की छिन्न भिन्न बाहें। मस्तक कट कर गिरने लगे लटकने लगी गर्दन। कईयों को तो कमर से काट देवी करने लगी मर्दन। किसी की कटी जांग तो किसी का एक नेत्र एक पैर। बहु तेरे थे तड़प के मरते कई करते यमलोक की सैर। कई दैत्य ऐसे थे भयानक बिन सिर धड़ ही रहते थे। चले उठे तलवार मगर मरने को ही युद्ध वे लड़ते थे। देवी ने वैसा ही किया था असुरों का वह सर्वनाश।
पुष्प वृष्टि कर देव जताते निज संतुष्टि का आशय। छूते ही तेग गई झूल, अब चक्षुर दौड़ा था लेकर शूल। माया विशूल या कायक हो प्रज्वलित, अपनी ओर आते देखो ही न चिंतित। देवी के वार से शूल हुआ छिन्न, चक्षुर को मृत देख देवी हुई प्रसन्न। क्रोधित हुए दैत्य चक्षुर को मृत पाकर, हाथी पर चढ़ निकला दुर्दैत्य चामर। उसने चलाई शक्ति अपनी क्षमता से, निष्प्रभ गिरा वो देवी की हुंकार से। चामर के नेत्र हुए रक्त रंजित, शूल चलाया देवी ने किया भंगित। दुर्मुख हुए बाणों से निढाल, ऐसे का रूप धरा महिषासुर ने। मृत्यु का कारण बना देवी गणों के, घोरों से किसी को नथुनों से मारा, सींगों से किसी को पूंछ से मारा। नेत्रों से कुछ गण हुए नष्ट, नाद से मचाया उत्पात झंझावात से। मार गणों को बढ़ा सिंह की ओर, क्रोधित हो देवी बढ़ी सिंह की ओर। धरती लगा खोदने वो असुर राज, सिंहों के समक्ष थे तुच्छ गिरिराज। हटने लगी धरती, देता वो चक्कर सागर समाया।
ऐसा बन कर करने लगा उत्पात, तीनों ही लोकों में मचा हाहाकार। चंडिका ने किया उत्तम मधु का पान, रक्तिम नेत्रों वाली बन गई वो काल। मदमस्त दैत्य ने पर्वत उखाड़े, देवी के अंगों पर फेंके शिलाएं। तीखे बाणों से शिलाएं हुई चूर्ण, बोली देवी माथी मद से परिपूर्ण। मूरख मैं करती हूँ जब तक मधुपान, तब तक तू जीवित है इतना रख ध्यान। उछली देवी माँ महिषासुर के तन पर, खड़ी हुई और मारा त्रिशूल कंठ पर। विचलित हुआ दानव देवी के बोझ से, देवी प्रभाव से आधा निकला मुख से, आधे ही तन से वो लड़ता रहा। तब तक मस्तक ना काटा उसका देवी ने जब तक। महिषासुर वन से असुरों में हाहाकार, और देवों को हुआ हर्ष अपरंपार। दायनी महावृता तुम जितेंद्रिय तत्व सारा, दोषों से हो रहित है माता भगवती तुम परा विद्या। शब्दाधार तुम ही वेदों की त्रयी, तुम ही माँ भगवती। पीड़ा नाशी दे उपजीविका तुम ही विश्व उत्पत्ति। शस्त्र सार में घा शक्ति तुम हो भव सागर तारिणी।
अनाशक्ति है गौरी देवी श्री विष्णु हृदय वासिनी मंदहास चंद्रमा सदृश है वदन तुम्हारा तेजोमय महिषासुर ने युद्ध किया कैसे ये भी है विस्मय यही मनोहर मुख क्रोधित होकर हुआ विकराल देख काल महिषासुर कैसे मृत न हुआ तत्काल प्रसन्न परमात्मा रूपी करती सबका दुख निवारण कोप में कुल का नाश हो करती महिषासुर है उदाहरण तुम जिन पर प्रसन्न हो वे ही धन यश और पाते सम्मान धर्म न होता शिथिल कभी भी सुख देते पत्नी संतान तुम पर श्रद्धा रखे जो नर पुण्यात्मा वह बन जाता कृपा तुम्हारी मन वांछित पा स्वर्ग लाभ निश्चित पाता दुर्गे हरती दुख प्राणी का देती बुद्धि का वंचित वत दरिद्रता दुख भय से मुक्ति देने को रहती तत्पर नरक वासियों के मरने से ये जग सुखी अवश्य होगा युद्ध में गत प्राण असुर जो स्वर्ग ही उनका भविष्य होगा भस्म करो तुम खड़े खड़े जब शस्त्रास्त्रों का क्यों नियोजन वार से पावन हो जाए दानव यही है माँ का प्रयोजन खड़ग त्रिशूल के तेज पुंज से असुर अंध बन जाते हैं चंद्र सगमनोहारी सुंदर मुख नहीं देख वो पाते हैं देवी आपका रूप चिंतन दुराचारियों को सुधारे देवी आपका बल व पराक्रम देवताओं को संवारे वरदायिनी हृदय हो कोमल जग में नहीं कोई तुम सा उतनी ही कठोर युद्ध में ये गुण है अतुलित सा सर्वनाश कर इन शत्रुओं का करती त्रिलोक की रक्षा उन्मत दैत्यों का भय हर के प्रदान की है सुरक्षा नत हो शत शत प्रणाम देवी हे मां शूल खड़ग धारी घंटा धनुष लिए करती हो माता रक्षा हमारी पूरब पश्चिम दक्षिण में तो मां चंडिका संभाले शूल उत्तर में रक्षा करे ईश्वरी त्रिशूल देवी के सुंदर मनोहारी और भयंकर रूप समस्त तीन लोक में करी सुरक्षा समय अनुरूप प्रशस्त जब तक ध्यान तुम्हारा देवी मानव रहे सुखी हो निरस्त कर पल्लवों में शोभित माँ की दसो दिशा में सभी ही अस्त देवों ने जब इस प्रकार से किया स्तवन देवी पूजन नंदन वन के दिव्य पुष्पों से अर्पित किया गंध और चंदन धूप सुगंधित सहित लगे वो देवी माँ का करने नमन तब मुखरित हुई महामाया देवों से हो करके प्रसन्न पुण्य देव हे धर्म पाल कहिए क्या है अभिलाषा मांगिए जो इच्छा हो मन में पूरी होगी हर आशा हे देवी क्या मांगे तुमसे सब कुछ तुमने दिया हमें शेष देवी कुछ रहा नहीं फिर इच्छा क्या रखते मन में
महिषासुर था महाशत्रु मिट गया आपके पराक्रम से। ऐसे ही रखना कृपा दृष्टि है महेश्वरी हम देवों पे। हम पर जब आए विपत्तियां करें आपका जब स्मरण, हे भगवती तब हो प्रसन्न सब देवों का करना रक्षण। तुम पर जो श्रद्धा रखे और स्तोत्र पाठ सह भक्त रहे उसके वैभव हेतु सदा आप प्रसन्न बनी रहे। जब देवों ने देवी का स्तवन किया और दिया मान, कह तथास्तु देवी क्षण भर में हुई वहां से अंतर ध्यान। हे राजन वो पूर्व काल में त्रिलोक की थी हितकारिणी, देवों ने मिल प्रकट किया जो जग की थी सुखदायिनी। गौरी बनकर प्रकट हुई वध करने शुंभ निशुंभ का, अभय दान देवों को देकर नाश किया हर दंभ का। यही सार विस्तार से सुनो बैठ के मेरे संग तुम, पूरी श्रद्धा से सुनना अब हर प्रसंग निश्चित ही तुम। रक्षा के लिए हूँ तत्पर देवों करना मेरी स्मृति।
गिरिराज हिमालय पर जाकर तब देवों ने मिल किया ध्यान, भगवती विष्णु माया का शुरू किया मिल स्तवन गान। प्रणाम देवी महादेवी शिव प्रकृति भद्रा तुम्हें प्रणाम, नियम पूर्वक देवताओं का माँ जगदम्बा तुम्हें प्रणाम। नमस्कार रौद्रा और नित्या गौरी धात्री तुम्हें प्रणाम, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूप देवी को प्रणाम। सौम्यवती रुद्र प्रत्येक रूप को माँ है प्रणाम, जग की आधारभूता देवी कृति सर्वदा तुम्हें प्रणाम। प्राणियों की तुम विष्णु माया हो देवी माँ है तुम्हें प्रणाम, प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है, तुम ही प्राणियों की चेतना देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। सभी में निद्रा रूप में हो स्थित देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्राणियों में क्षुधा रूप तुम देवी तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है, छाया रूप में स्थित रहती हो देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। सब प्राणी शक्ति बनी तुम देवी तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है।
स्थित हो कृष्णा रूप में सदा देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम। हृदय में क्षमा रूप हो देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्राणियों में स्थित जाति तुम देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्राणियों में शांति भाव तुम देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। स्थित हो श्रद्धा रूप में सदा देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है। हो स्थित कांति रूप में तुम ही देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। सभी जगह तुम देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। सब प्राणियों की वृत्ति रूप हो देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्राणी जगत में स्मृति रूप तुम देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है। देवी प्राणियों की दया तुम देवी तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है। प्रणाम है प्रणाम है शत शत तुम्हें प्रणाम है।
करते तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, शत शत तुम्हें प्रणाम है। सबकी माता रूप में स्थित तुम देवी, तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, शत शत तुम्हें प्रणाम है। भ्रांति रूप में स्थित समष्टि देवी तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, शत शत तुम्हें प्रणाम है। शत तुम्हें प्रणाम है। अधिष्ठात्री जीविंद्रियों की देवी तुम्हें प्रणाम है। चैतन्य रूप से व्याप्त जगत में देवी तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, शत शत तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, शत शत तुम्हें प्रणाम है। अभीष्ट चिंतन हेतु है जिसको पूजे स्वयं इंद्र राज, देवों का मंगल करे वो करे लोक कल्याण काज। दैत्य दे कष्ट हमें बचाए माँ परमेश्वरी, संकट विपदा दूर करे सब नमो नमो देवेश्वरी। प्रादुर्भाव से श्याम हुआ शरीर देवी का, देवी हिमालय पर रहती जो कहलाई वो कालिका। तब वहां पहुंचे चंड और मुंड जो शुंभ निशुंभ के भृत्य, देख के मनोरमा देवी की चकित हुए वो दोनों दैत्य। शुंभ से बोले हम तो हुए हैं बहुत अचंभित, आपके राज में दिव्य कांति करती दसों दिशाएं प्रकाशित। देखा ना ऐसा रूप कभी लगती है नारी वह कुलीन, असुरेश्वर से आप क्यों नहीं कर लेते अपने आधीन। दर्शन है स्वामी
हाथियों का ये रत्न रावत वृक्ष अमर परिजात का उच्च श्रेवा अश्व इंद्र का रहा नहीं अब आपका। ब्रह्मा जी का मान बढ़ाता हंसो युक्त वो प्यारा विमान आज आपका ही है स्वामी इसका है हमको अभिमान। से छीन लाए थे महापद्म की अमूल्य निधि कमल न कुम्हलाते हैं जिसके केसर युक्त किंजल कीनी स्वर्ण की वर्षा करता वरुण का चमत्कार है क्षत्र राजन प्रजापति का श्रेष्ठ रथ बना शुंभ राज का है की सब बहुमूल्य वस्तुएं और सभी शस्त्रास्त्र भी है राजन आपके पास अग्नि से शुद्ध किए दो वस्त्र भी है। आपके जब अधिकार में स्वामी विश्व की वस्तुएं हैं उत्तम क्यों ना आप आधीन करे तब नारियों में रत्न सर्वोत्तम। शुंभ हुआ सुनकर लालायित बनाया उसने दूत सुग्रीव देवी का सौंदर्य सुनकर उत्तेजित हो गया अतीब। त्रिलोक ही दास है मेरा आधिपत्य में देवता योगी प्रत्येक यज्ञ के पृथक पृथक से भाग का मैं सर्वदा उपभोगी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ रत्नों पर मेरा ही है पूर्ण अधिकार इंद्र का वाहन गजों का रत्न ऐरावत खड़ा है मेरे द्वार। वश में रहने में ही सम
चलने प्रूवाली सुंदरी समस्त सुख हमसे पाओ। अतुलनीय ऐश्वर्य राज का भोग करोगी मेरी शरण में, अर्धांगिनी मेरी बन जाओ, सुख मिले मेरे अनुकरण में। सुन गंभीर भाव से देवी, मंद मंद मुस्काती रहती, जगत कृपा फिर दृढ़ निश्चय से दैत्य दूत को स्वागत सुनाती। सुनकर दूत ये बोला, देवी है तुम्हें अति घमंड, त्रिलोक में नहीं वाणी किसी की जितनी तुम्हारी है उद्दंड। दैत्यों समक्ष युद्ध में पराक्रमी देव भी न ठहर सके, फिर तुम जैसी नारी कैसे उनसे स्वयं युद्ध कर सके। मुकुट शोभायमान
गजराज के सन्मुख जाकर सब वृत्तांत कहा अविलंब। सुन करके अपशब्द दूत से कुपित हो उठा असुरपति, दे असुरों को आज्ञा दौड़ा धूम्र लोचन सेनापति। सीट दिलाई जाए त्वरित हमारे निवास, देव यक्ष गंधर्व कोई करे जो आकर रक्षा, वही प्राण उसके लेना देना नहीं जान की भिक्षा। दैत्य राज की सुन के आज्ञा रोष भरी चित का चला धूम्र लोचन लेकर अपने 60,000। देख हिमालय पर रमणी को हर्ष से विचरते, धूम्र लोचन ने पुकारा देवी को ललकारते। ऐ दुष्टा घमंडी नारी त्याग दे अपना दंभ, तुझे घसीट के ले जाएंगे जहां है दैत्य राज शुंभ। तू है स्वयं दैत्य सेनापति और प्रतापी असुर आदेश, मैं निर्बल क्या करूं घसीटे यदि तू पकड़ के मेरे केश। तेजित हो दैत्य दौड़ा जैसे ही देवी को ललकार, पल में भस्म किया देवी ने और भरी एक हुंकार। देखते ही यह क्रोध से भड़की रोष में सेना असुरों की, टूट पड़ी रण में सेनाएं जान लेने एक दूजे की। शस्त्रों की गिरने लगी तब गाज, क्रोधित होकर गर्जने लगा वाहन सिंहराज। इतने दैत्यों को पंजों से और जबड़ों से मारा, सिंह ने पटकी दे दे कर कई दैत्यों को संहारा। परिणाम धूम्र लोचन का शुंभ हुआ क्रोधित प्रचंड, आज्ञा से तब हुए उपस्थित महादैत्य चंडौर मुंड। चंडौर मुंड महावीरों तुम जाओ धृष्ट सुंदरी पास, केश खींचते घसीट लाओ संयम छोड़ रहा अब साथ। अस्त्र शस्त्र या शक्ति कुटिलता रहे न प्रयत्न कोई शेष, मार डालना अगर न माने यही मेरा अंतिम आदेश। हत्या कर उस दुष्ट सिंह की तब ही तुम वापस आना, साथ में अपने उस उल्टा नारी को बांध के भी लाना। अत
अति विचलित था शुंभ क्रोध से ग्लानी हुई थी अपरंपार। चंड मुंड भी जोश में भरकर हुए निकलने को तैयार। त्रिभुवन सुन गर्जन विकराल। दानव की सेना पर देवी हुई क्रुद्ध, करने लगी दैत्यों का वध होकर रुद्ध। योद्धा महायोद्धा रण में हुए क्षत विक्षत, असुरों का काली माँ करने लगी भक्षण। घोड़े गज सारथी सब चुन चुन कर मारे, आतंकित थे दानव सारे के सारे। झपटे पकड़े खींचे कुचले संहारे, त्राहिमाम अरिदल चीत्कारे। दैत्यों की सेना हुई पल में परास्त, देवी के कोप से सब थे भयाकांत। काटा लेकर तलवार, मुंड ने तब काली को ललकारा। देवी ने अगले पल उसको भी मारा। भयभीत दैत्यों ने जीवन बचा के, मृत देख चंडौर मुंड को भागे। चंडौर मुंड का सर ले कालिका, पहुंची वहां पर जहां थी चंडिका। लो देवी इन महा पशुओं के मस्तक, शुंभ निशुंभ का नाश करो अब। बोली चंडिका माँ कल्याणमयी, काली के तुम रहो सदा विजयी। चामुंडा नाम से तुम होगी
लप लप करती जिह्वा आँखें थी लाल, कंपित था त्रिभुवन सुन गर्जन विकराल। दानव की सेना पर देवी हुई क्रुद्ध, करने लगी दैत्यों का वध होकर रुद्ध। योद्धा महायोद्धा रण में हुए क्षत विक्षत, असुरों का काली माँ करने लगी भक्षण। घोड़े गज सारथी सब चुन चुन कर मारे, आतंकित थे दानव सारे के सारे। झपटे पकड़े खींचे कुचले संहारे, त्राहिमाम अरिदल चीत्कारे। दैत्यों की सेना हुई पल में परास्त, देवी के कोप से सब थे भयाकांत। काटा लेकर तलवार, मुंड ने तब काली को ललकारा। देवी ने अगले पल उसको भी मारा, भयभीत दैत्यों ने जीवन बचा के। मृत देख चंडौर मुंड को भागे, चंडौर मुंड का सर ले कालिका। पहुंची वहां पर जहां थी चंडिका, लो देवी इन महा पशुओं के मस्तक। शुंभ निशुंभ का नाश करो अब, बोली चंडिका माँ कल्याणमयी। काली के तुम रहो सदा विजयी। चिंगाड़ता दौड़
शुंभ के आगे पीछे था दैत्यों का अति विशाल दल। होठ चाप देवी को दिखाते कुत्सित मन की इच्छा प्रबल। सह न सका अपमान शुंभ भी आधम का वो भीरण में। ले प्रचंड सेना को साथ आ पहुंचा देवी से लड़ने। तलवार ढाल के ही तब निशुंभ ने चलाई शक्ति। देवी ने उसे चक्र से काटा और दिखाई अपनी युक्ति। दौड़ा निशुंभ शूल उठाकर क्रोधाग्नि से वो था पूर्ण। देवी के मुक्के की मार से शूल हो गया उसका चूर्ण। उसे देवी ने बजाया शंख जोर से युद्ध का और किया विकराल नाद अपनी धनुष की प्रत्यंचा का। साथ किया घंटा की नाद का गर्जन देवी ने विकराल। सुनते ही जिसे दैत्य की सेना होने लगी त्रस्त बेहाल। सी सिंह की गर्जती एक दहाड़। गजराजों में व्याप्त हुआ भय थर्राए सागर पहाड़। अब उछली आकाश में देवी गिरी करते हुए महानाद। पृथ्वी पर आघात किया तो शांत हुए बाकी सब नाद। शुंभ का तो हुआ परिहार।
से देव करी जय घोष, देवी की जय हो जय हो। तप्त शुंभ ने ज्वाला से युक्त एक भयंकर शक्ति चलाई, अग्निमय पर्वत सी बाधा देवी ने क्षण ही में हटाई। तीन लोक में हुआ भयंकर सिंहनाद गुंजायमान, वज्रपात सी ध्वनि के समक्ष हर एक शब्द था शून्य समान। भगवती दुर्गा माने जो करती पीड़ा का है नाश, क्रोधित होकर काट गिराए बाणों और चक्रों के पाश। जब देखा निशुंभ ने देवी किसी भांति हार माने ना, उसने लिया गदा हाथों में बढ़ा ली महादैत्य सेना। अपनी दाढ़ों से खाने लगा सारे असुरों को, और शिवदूती भी खाती थी मार मार सारे दैत्यों को। कौमारी की महाशक्ति से असुरों का हुआ अति अनिष्ट, ब्राह्मणी के मंत्र युक्त जल से कितने ही असुर हुए नष्ट। जान गवा बैठे थे, चला जो इंद्री का वज।
अस्त्र शस्त्रों के बड़ी तीव्रता से महाभयानक युद्ध हुआ तीक्ष्ण अस्त्रों से। छोड़े अपने दिव्य अस्त्र अंबिका ने शौर्य पराक्रम से। शुंभ ने लेकिन काट गिराए रत्ती भर के श्रम से। शुंभ भी भारी अस्त्रों को चलाने का कर रहा था कष्ट, पर देवी हुंकार से ही कर देती थी उनको नष्ट। दानव ने बाणों से देवी को कर दिया आच्छादित। देवी ने क्रोधित हो उसका धनुष कर दिया विभाजित। लिए दौड़ा शुंभ जो करने को देवी का अंत। चक्र से देवी माँ ने काट दी उसकी शक्ति तुरंत। सौ चंद्रमय ढाल लिए और चमचमाती तलवार लेकर चला दैत्यराज अब देवी का करने संहार। में बढ़ा सोचे देवी हाथ धोएगी प्राणों से। ढाल और तलवार नष्ट की देवी ने तब बाणों से। धनुष टूट कर बिखर गया पड़े थे अश्व मरकर। तब देवी को मारने को उठाया दैत्य का खाकर थप्पड़ उसका
आकर मार शुंभ देवी से पृथ्वी पर जा गिर पड़ा। तुरंत संभल कर देवी के सामने हुआ खड़ा। उठा लिया उसने देवी को और हुआ नभ में साकार। देवी युद्ध लगी करने आकाश में निराधार। महाभयानक युद्ध देख कर देवता मुनि अचंभित थे। निराधार लड़े शुंभ और देवी सबको कर रहे विस्मित थे। वो विलंब तक चला युद्ध था देवी दिखी विलक्षण। तभी घुमा कर शुंभ को पटका क्रोध से देवी ने तत्क्षण। हार न मानी दुष्ट तभी उठ खड़ा हुआ तत्काल। दौड़ा अति वेग से देवी का बनकर मानो काल। जैसे ही देखा देवी ने दौड़ता ये शुंभ। त्रिशूल से भेदी उसकी छाती देवी ने अविलंब। धरती सागर कांप उठे और थर्रा उठे पहाड़। दहली सारी सृष्टि गिर गया शुंभ मार के दहाड़। दुरात्मा के वध से था जगत में फैला प्रकाश। शांत हो गई धरा और स्पष्ट हुआ आकाश।
शरणन तुम्ही उपसंहार तुम्ही हो समर्थ तुम नारायणी नामः। मंगला शिवा त्रिनेत्रा शक्ति सिद्धिदात्री नारायणी नामः। पालक संहारक तुम्ही सृष्टि की हो सर्व गुणी नारायणी नामः। शरणागत का करती उद्धार तुम हो पीड़ाहारी नारायणी नामः। हंस विमान पे करती हो विहार कुश जल छिड़कती नारायणी नामः। विकट रूपी नारायणी नामः। मुख है प्रचंड गले मुंड माल मुंड मर्दिनी नारायणी नामः। लक्ष्मी लज्जा विद्या श्रद्धा स्वधा महारात्रि नारायणी नामः। मेधा सरस्वती श्रेष्ठा नियता ईशा रूपी नारायणी नामः। सर्वेश्वरी शक्ति सर्वस्वरूपा दिव्य रूपा दुर्गा देवी नामः। त्रिनेत्री हर लेती सारे विकार सौम्य रूपा कात्यायनी। शत्रु हो या हो दावानल विपरीत स्थिति में भी करती हो मंगल। जगधारक जगपालक विष्णु वंदनिया आश्रय देने वाली जग पूजनिया। पाप और उत्पात का नाश करती दैत्यों से तुम जग की रक्षा हो करती। तेरे चरणों का हम करते गुणगान पीड़ा नाशिनी दे सुख का वरदान। देवी बोली हूँ वर देने को तैयार मांगो जिससे हो ये सुखमय संसार। देवता बोले हमको दो अभयदान बाधाएं हर लो और कर दो कल्याण। Oh,
को दूंगी सोने त्रिदर्शन, लेना मुशताक्षी सब करेंगे वंदन। मुझसे उपजे शाक पोषण करेंगे, वर्षा ना हो तब भी रक्षण करेंगे। शाकंभरी नाम से होंगी विख्यात, दैत्यों की लीला करूंगी समाप्त। सब दुर्गा रूप में करेंगे वंदन, भीम रूपा बन करूं असुर निकंदन। मुनियों हेतु करूं हिमालय अवतरण, भीमा बन दुष्टों का करूं मैं भक्षण। भीमा देवी नाम होगा प्रख्यात, दैत्य अरुण जब करेगा उत्पात। त्रिलोक हित हो तब आऊंगी मैं, भ्रमर बन उसका वध करूंगी मैं। भ्रामरी के सब झुकाएंगे शीश, देती रहूंगी मैं सबको आशीष। पीड़ा ग्रस्त होगा जब जब संसार, लूंगी मैं तब तब महावतार। प्रतिदिन ध्यान करे जो मेरा मन करके एकाग्र चित, उसकी बाधा दूर करूं ये तथ्य समझ लो सुनिश्चित। भक्त पढ़ेंगे मधु कई तब और महिषासुर के वध की कथा। शुंभ निशुंभ संहार प्रसंग देंगे प्रेरणा उन्हें सदा। अष्टमी नवमी चतुर्दशी है विशेष जानो महत्व, महात्म का एकाग्र चित श्रवण पीड़ा नाशक तत्व। पाप मुक्त हो भक्त सभी जो हंस के सहे आपत्ति। गृह कलह दारिद्र बिछोह छू न सके विपत्ति। भय न रहेगा राजा से शत्रु ना किसी शस्त्र से। अग्नि से न लुटेरों से न अनीति के किसी अस्त्र से। सो सब ही ये महात्म सुने है परम सुखदायक। भक्ति पूर्वक श्रवण करें सब परम कल्याणकारक। मेरा महात्म्य करे नष्ट हो उपद्रव या हो महामारी। उत्पातों का शमन करे ये है कल्याणकारी। मंदिर हो या और कहीं हो जहाँ महात्म्य का प्रावधान। ऐसी जगहों पे मैं रहूं प्रत्यक्ष रूप में सन्निधान। होम हवन हो पूजा पाठ कार्य कोई जो हो पवित्र। हर अवसर पर श्रवण करो मन से मेरा ये चरित्र।
विधि अनुसार न जाने यदि जो कोई पूजाएं विभिन्न भक्ति भाव से ही हो पठन तब भी हो जाऊंगी प्रसन्न। शरद काल की महापूजा में जो चरित्र मेरा करे श्रवण मुक्त हो जाए बाधाओं से कर पूजा का प्रसाद ग्रहण। वाहन पुत्र व धन धान्य से होगा वो व्यक्ति संपन्न निसंदेह जीवन में वो सदा रहेगा अति प्रसन्न। मेरे प्रादुर्भाव की कथा देती सब भक्तों को अभय मेरे पराक्रमों का स्मरण मन को करता है निर्भय। इस महात्म के श्रवण से भक्तों वंश के शत्रु होते नष्ट समस्त कुल आनंदित होता कट जाते हैं सबके कष्ट। जब अशांति पर लक्षित होती ग्रह के दुख हो भयंकर तब चरित्र के पठन से मेरे लाभ होता निरंतर। असह्य वेदना शांत हो ग्रह दोष का होता निवारण दुख स्वप्न उत्सव बन जाए मेरे नाम के कारण। बाल ग्रहों का कोप हरे ये बालक होते हैं सुदृढ़ मन जिह जुड़ते संगठन में भूल जाए आपसी युद्ध। दुराचारियों के बल को ये पाठ करे समाप्त भूत पिशाच से मुक्ति मिलती स्मरण मेरा पर्याप्त। महात्म के पठन पाठ में रहता मेरा वास करो न चाहे धूप दीप और अर्घ्य गंधूप वास। उत्तम अभिषेक सामग्री भोज भोग का नित्य वचन उनकी तुलना में कहीं श्रेष्ठ है श्रद्धा से ही चरित्र पठन। भक्ति भाव से एक बार भी करे जो पाठ श्रवण मिले अखंड आरोग्य उसे हो जाए पाप हरण। भूतों से रक्षा करे मात्र मेरा ही प्रादुर्भाव युद्ध चरित्र का दुष्टों पर पड़े विपरीत प्रभाव। विरोधियों और शत्रुओं की क्षीण हो जाए शक्ति देवता हो या मनुज सुखी हो जो करे मेरी भक्ति। देवताओं देवर्षियों तुमने जो की है मेरी स्तुति सदा समाप्त होगी तुम्हारी समस्त विषम परिस्थिति। चाहे कोई निर्जन स्थान हो या लुटेरों का आए दल कुछ न बिगाड़ सके है कोई चाहे वो हो घना जंगल। चाहे क्रोधित राजा देश हो बंधक बना के वध का दाम चाहे चक्रवात में फंस कर डगमगाए जो तुम्हारी नाव। कितनी ही भयानक पीड़ा हो या शस्त्राघात चाहे विश्व की बाधाएं एक साथ करे आघात मेरे चरित्र का सुमिरन ही दूर करे हर बाधा। मनुष्य संकट मुक्त रहे टल जाए उसकी विपदा हिंसक प्राणी जीव भागे मेरे ही प्रभाव के कारण। शत्रु से दूर रहे जो करे महात्म का पारायण। देवी ने इतना विधान कर देवों को दिया अभयदान हुई महामाया आजा उसी एक क्षण अंतर ध्यान।
निर्भय था देवलोक और यज्ञ भाग प्रारंभ हुआ। पूर्ववत अधिकार भोग फिर देवों ने आरंभ किया। महापराक्रम से देवी के हुआ त्रिलोक अचंभित। धन्य धन्य सब कहें उसे था वातावरण आनंदित। शुद्ध हुए सब दैत्य गण चले गए फिर से पाताल। स्मरण मात्र से धर्राते देवी का रूप विकराल। अंबिका देवी सदा सत्य है अस्तित्व सदा रहेगा सत्य। फिर भी प्रकट होती रहती इस जग के लिए ही देवी नित्य। जग की जन्मदात्री है वो करती सबको वही मोहित। संतुष्टि समृद्धि ज्ञान विज्ञान शास्त्र है उनमें समाहित। जब भी होती महाप्रलय वो बनती है महामारी। व्याप्त जगत में महाकाली है विश्व की उत्तम अधिकारी। देवी सदा अजन्मा है पर सृष्टि रूप में होती प्रकट। सनातनी तारती भूत और भविष्य के सारे संकट। मनुष्य के अभ्युदय की लक्ष्मी बनती है वही देवी। दुख दरिद्रता और विनाश का कारण भी है वे ही। पुष्प गंधादि धूप से देवी का जो ध्यान धरे देवी उसे धन पुत्रादि उत्तम गति प्रदान करे। राजा सुरथ ने भक्ति भाव से सुने मुनि के प्रेम वचन। तदनंतर मेधा मुनि को साष्टांग उन्होंने किया नमन। ममता वशीभूत हो तथा राज्य अपहरण से हो के खिन्न। राजा सुरथ मन ही मन में हो रहे थे अति अप्रसन्न।
चंडिका अति प्रसन्न हुई, देख उनका भाविक वर्तन। जगधारिणी ने स्वयं दिया उन्हें आकर प्रत्यक्ष दर्शन। कुल के प्रेमी वैश्य वराजा, दूर करो अब अपनी निराशा। अब तुम वर मांगो जो भी हो, मन में तुम्हारी अभिलाषा। तब राजा ने देवी से मांगा वापिस अपना वो साम्राज्य, नष्ट न हो जो अगले जन्म में आत्मीयता का वो राज। मोह माया से खिन्न वैश्य हो विरक्त पर था बुद्धिमान, मांगा देवी से आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान। राजन शीघ्र ही शत्रु तुम्हारे हो जाएंगे तुम्हारे दास, कर स्वीकार तुम्हें राजा वे तुम पे करेंगे पूर्ण विश्वास। राज्य रहेगा सदा तुम्हारा शांत स्थिर, प्रगति समृद्ध मंगलमय व्यवहार होगा, रहे आचरण सबका शुद्ध। मृत्यु तो अटल सत्य है लेकिन विवस्वान के होंगे अंश। सावर्णिक मनु बन जन्म लोगे तुम भगवान सूर्य के वंश। साम्राज्य तुम्हारा अटल रहेगा, प्रचुर रहेगी संपत्ति। धर्म कर्म के कार्यों में हो सावर्णिक मनु की ख्याति। आपकी भी होगी आकांक्षा हर एक परिपूर्ण, सुन ले ज्ञान के क्षेत्र में आपको जानेगा ये जग संपूर्ण। आप अवश्य पाए मान्य वर मोक्ष प्राप्ति का लौकिक ज्ञान, इस प्रकार पाएंगे दोनों अपने मन वांछित वरदान। सुरथ लेंगे अब सूर्य के कुल में अगला जन, सावर्णिक मनु के ही नाम से ख्याति होगी उनकी आजन। शिव उवाच, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। दिव्युवाच, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम्, मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा,
बलादा कृशमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि आत्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा पुरुष्टा तु कामान सकलान भीष्टा। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतान् प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गास्तोत्रम् संपूर्ण।